पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार 12 घंटे में एक बार फिर से राजनीति ने करवट लिया है और नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने और बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और इन रैली और नीतीश के दिल्ली जाने के बीच जो 12 घंटे का समय बीता, वो समय काफ़ी चर्चा का विषय बना और इसमें फिर से नीतीश कुमार चर्चा में आ गए हैं। इस चर्चा के पीछे की कहानी ये है कि जब नरेंद्र मोदी बिहार आए तो उन्होंने कई ऐसी बातें कही और उन्होंने सीधे सीधे राष्ट्रीय जनता दल, लालू परिवार और अन्य लोगों पर किया जो पिछले कई वर्षों तक बिहार में अराजकता फैला के रखे थे, ऐसा उनका मानना है। इन बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें परिवारवाद को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया, लेकिन इस मंच से नीतीश कुमार ने दूरी बनाई। पहले यह तय था कि नीतीश कुमार इस रैली में शामिल होंगे और जिस तरह से औरंगाबाद में उन्होंने अपनी बातें रखी थी, प्रधानमंत्री काफ़ी खुश हुए थे, वैसे ही वो बेतिया की रैली में भी शामिल होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अचानक से नीतीश कुमार का कार्यक्रम कैंसिल हो गया और नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो गए। कहा यह जा रहा था कि विदेश जाने से पहले नीतीश कुमार बैठेंगे और बैठ करके एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय करेंगे। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कहीं ना कहीं बीरबल की खिचड़ी बना हुआ है और इसको लेकर के चर्चाएँ खूब हो रही हैं और इसी पेच के कारण कहीं ना कहीं जो साथी दल है उनमें भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब सबसे बड़ी बात जो खुल करके सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इसमें पेच फंसा दिया है और ये सीट शेयरिंग का समझौता शायद अभी नहीं हो, नीतीश कुमार के विदेश से लौटने के बाद सीट शेयरिंग का समझौता हो, क्योंकि नीतीश कुमार ने उल्टा पेच फंसा दिया है। अब ये खुलना भी आसान नहीं लग रहा है। एक तरफ जहां चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही थी कि उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कौन से सीट उनको चाहिए, क्या उनके डिमांड हैं, इस पर अभी चर्चा चल ही रही थी कि अचानक नीतीश कुमार ने चिराग पासवान वाली कई सीटों पर अपनी उंगली रख दी है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया परिस्थिति पैदा हो गया है और इस परिस्थिति से निकलने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करेगी। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जिन सीटों को मांग दिया है उन सीटों को छोड़ना चिराग पासवान के लिए संभव नहीं लगता है। इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जिस पर चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ना चाहते थे और इसी पर लेकर चर्चा के साथ उनकी जबरदस्त लड़ाई भी चल रही थी। हालांकि इनमें से कई सीटें भारतीय जनता पार्टी अदला बदली करना चाहती है, जो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के बीच में अदली बदली होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने जैसे ही जमुई का नाम लिया वैसे ही ये मामला फिर से फंसता हुआ नजर आने लगा। जमुई के बाद वैशाली ऐसी सीट है जिस पर 10 तारीख को चिराग पासवान एक बड़ी रैली करने वाले हैं, उस सीट को लेकर के भी असमंजस की स्थिति बन गई है और कहा यह जा रहा है कि यह सीट चिराग पासवान से छिन जाएगी। तो वहीं बात करें तो खगड़िया की सीट पर भी कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोनों की नज़र है, लेकिन नीतीश कुमार इस सीट को लेकर के काफ़ी कुछ तैयारियां शुरू कर चुके हैं। नवादा की बात करें तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से में रखना चाहती है क्योंकि सबसे ज़्यादा विवादित सीट यही है। और अंततः आपको बता दें कि हाजीपुर की सीट को लेकर के जैसे ही चर्चा शुरू होती है तो उसके बाद चिराग पासवान का पारा सातवें आसमान पर होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी शर्तों में सबसे पहली शर्त रखी है कि हाजीपुर की सीट उन्हें हर हाल में चाहिए। अभी तो मामला सिर्फ चिराग पासवान तक ही पहुंचा है, आगे देखिए जो निकल करके आता है कि इस मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है जिसमें नीतीश कुमार को एनडीए के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग के समझौते में बैठना था। इस मीटिंग में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा अलग रहे हैं, जीतन राम मांझी ने भी दूरी बनाई है, लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की हो रही इस मीटिंग ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपनी दिशा खो दी है और इस मीटिंग में ऐसा लगता है कि कुछ भी संभव नहीं है फाइनल होना, क्योंकि ऐसी शर्तें हैं कि इन शर्तों को एक साथ बिना बैठे और एक टेबल पर बिना बैठे घटक दलों के संभव नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पेच फंसा दिया है और नीतीश कुमार जब लौटेंगे विदेश से उसके बाद सीट शेयरिंग का समझौता और फार्मूला आपको देखने को मिल सकता है, या इस बीच में क्या कुछ होता है ये भी बड़ा ही दिलचस्प होगा। हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए क्योंकि देश दुनिया की सबसे अंदरूनी खबर यहीं आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।